दोस्तों पाकिस्तान टीम नीदरलैंड को हराने के बावजूद हुए T20 वर्ल्ड कप से बाहर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच 30 अक्टूबर को मैच खेला गया, जहां पे नीदरलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों नीदरलैंड की यह डिसीजन बहुत ही गलत साबित हुआ। नीदरलैंड के कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाज का सामना नहीं कर पाए और अपना विकेट लगातार गिराती गई। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान गेंदबाज की बात क्या है, तो शादाब खान ने 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि मोहम्मद वसीम ने 2 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों नीदरलैंड ने आखिरकार 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 91 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 92 रनों का लक्ष्य दिया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान टीम की ओपनर बाबर आजम को नीदरलैंड की गेंदबाज जल्द ही पवेलियन लौटा दी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान टीम का मोर्चा मोहम्मद रिजवान और फकर जमां ने संभाली और फकर जमां भी 20 रन बना के अपना विकेट गंवा दी। लेकिन दोस्तों मोहम्मद रिजवान आउट नहीं हुए और 49 रन की बेहतरीन पारी खेली और पाकिस्तान यह मैच 6 विकेटों से अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान यह मैच जीत कर भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्योंकि दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के मैच पे सबकी नज़रें बनी थी, क्योंकि भारतीय टीम अगर साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने की मौका बन सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से हार गई है और पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप से अब बाहर हो गई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।